कह सकते हैं सीटों का आंकड़ा कम पड़ता है तो निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनसे हाथ मिलाती हैं, जी हाँ उनसे पीडीपी पार्टी से हाथ मिलाती हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद अगर एक साथ आते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में कोई बड़ा खेल ही यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। प्रखास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे दो खास चेहरे पर जिनके इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश की राजनीति घूमती फिरती नज़र आती है। मायावती और चंद्रशेखर को लेकर इस वक्त देश में विपक्षी दलों के भीतर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। क्या इन दोनों चेहरों को विपक्षी खेमे में जो है मिलाया जाना चाहिए और क्या इससे कोई राजनीतिक फ़ायदा आने वाले दिनों में मिल सकता है, या फिर दूसरी जो एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि मायावती और चंद्रशेखर खुद ही एक साथ आ जाएँ। दरअसल इन्हीं तमाम सवालों को बेहतर ढंग से समझेंगे, मेरे साथ बात करने के लिए प्रज्ञा मौजूद हैं। दरअसल इस समय ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आप लगातार देख रहे हैं कि तमाम बड़े चेहरों को जो है बैठकों का हिस्सा बनाया जा रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर और कई बड़े चेहरों, लेकिन मायावती को कहीं ना कहीं इस समय भी पीछे धकेला जा रहा है क्योंकि उनके ऊपर एक जो है संदेह है, एक जो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से शक है कि वो क्या बीजेपी के साथ चल रही हैं, क्या बीजेपी को जानबूझ करके वो काउंटर जो है सवाल नहीं पूछ रही हैं, क्या इन बातों में कोई सच्चाई है और क्या इसके पीछे जो विपक्ष सोच रहा है क्या वाकई ये सच है या विपक्ष को इसका बड़ा झटका जो है देखने को मिलेगा। देखिए अब्रार, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मायावती की साफ तौर पर, तो ये कोई पहली बार नहीं है जब मायावती इस तरीके से न्यूट्रल स्थिति में दिखाई दी हो। हमेशा से देखा गया, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव हो, उसे लेकर हमेशा मायावती का जो रुख है वो हमेशा से ऐसा ही देखने को मिला। वो हमेशा कहती हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी को किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के गठबंधन की ज़रूरत नहीं है और वो अपने चेहरे पर चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि ये वही मायावती हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सत्ता पर मुख्यमंत्री के तौर पर राज किया है। तो कहीं ना कहीं मायावती को अभी भी लगता है कि उनका वैसा वर्चस्व है, लेकिन उन्हें समझने की जरूरत है कि बदलते समय के साथ कहीं ना कहीं राजनीति बदल रही है, आम जनता की सोच भी बदल रही है। तो ऐसे में अब वो वक्त चला गया जब लोग जातिवाद धर्म के नाम पर वोट दिया करते थे, अब तो ऐसा हो गया है कि देखिए जो दलित समुदाय है वो भी दलित समुदाय के नेता को वोट नहीं देता, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो मुस्लिम नेता को वोट नहीं देते हैं, या हिंदू पक्ष की बात करें तो वो भी वोट नहीं देता। इस वक्त कहीं ना कहीं जो जनता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका काम देखती है, आप जो वादे कर रहे हैं वो कितने सच हैं या फिर सिर्फ एक कह सकते हैं कि जुमला है जो आप कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं। तो यहां पर मुझे लगता है कि मायावती अब तक जो रणनीति अपनाती हुई दिखाई दी है, हो सकता है कि वो साल 2008 और साल 2014 तक काम आ सकती थी, लेकिन अब साल 2023 का दौर है, साल 2024 में चुनाव है, तो अब मायावती को बदलने की ज़रूरत है और ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अब उन्हें अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, वो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर राज कर चुकी है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी को भी गठबंधन की ज़रूरत पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है और देश पर राज कर चुकी है लगभग 15 साल अगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी एनसीपी पार्टी यहाँ पर शिवसेना का अगर मैं नाम लूँ, ऐसी तमाम पार्टियों को अगर गठबंधन की ज़रूरत पड़ रही है तो मायावती भी उसी विपक्ष का हिस्सा है। और अगर वो चाहती है कि उनको एनडीए की तरफ रुख करना है तो उनको अभी से ये चीज़ साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गठबंधन तो कर लेती है लेकिन जब सत्ता में आती है तो किस तरीके से उस गठबंधन को दूध में से मक्खी की तरह निकालने का काम किया जाता है वो हम सभी देख रहे हैं। गुजरात में हमने देखा हार्दिक पटेल के साथ हो रहा है, मध्य प्रदेश की बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हो रहा है, राजस्थान की बात करें तो कहीं ना कहीं इस वक्त हालात ऐसे ही वसुंधरा राजे के साथ भी है। तो इस वक्त मायावती को समझने की जरूरत है इससे पहले कि उनका जो दलित वोट बैंक है जो इस वक्त काफी हद तक चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में जाता हुआ दिखाई दे रहा, तो समय रहते उन्हें इस वक्त गठबंधन का हाथ थाम लेने की जरूरत है, वरना धीरे धीरे जो उनका वर्चस्व कम होता हुआ दिखाई दे रहा है वो दबदबा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।
बीच ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से उन्होंने एक अपनी एक जगह बनाने की कोशिश की है उत्तर प्रदेश में या अलग अलग राज्यों में, तो क्या चंद्रशेखर रावण को उसमें सफलता मिल पाई है? और जो बीते जो है आप कह सकते हफ्ते में उनके ऊपर जो हमले हुए थे उसके बाद क्या एक मजबूती आई है? क्या दलित समाज अब कहीं ना कहीं अपने एक नए मसीहा के तौर पर उनको देख रहा है? और मायावती की जो एक बादशाहत हुआ करती थी दलित वोट बैंक पर, उसको जो है एक बड़ा झटका लगा है, क्या इस पूरे जो है मामले में चंद्रशेखर को किसी भी तरीके की जो है सफलता मिली? वाकई में देखिए, वाकई में ये अगर मैं बात करूँ तो चंद्रशेखर आज़ाद एक उभरता हुआ चेहरा है और हमेशा से राजनीति में देखा गया कि उभरते हुए चेहरों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आप भी इस चीज़ से वाकिफ हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत समय से देश की जनता एक ऐसे चेहरे की तलाश कर भी रही थी और चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं उस चेहरे के रूप में काफ़ी ज़्यादा काबिज़ होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि चंद्रशेखर आज़ाद का एक जो नेतृत्व है वो भले ही चाहे मायावती कुछ भी कहें उन्हें लेकर, लेकिन वाकई में उनका जो दृष्टिकोण है वो लाजवाब है और इसीलिए उन्हें जनता का समर्थन मिल भी रहा है। यहां पर अगर बात करें चंद्रशेखर की, तो देखिए चंद्रशेखर आजाद हमेशा से कहते हुए नजर आए हैं कि उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो दलित हैं उनके नेतृत्व को वो मजबूत कर सकें। और ऐसे में मुझे लगता है कि मायावती को उनसे घबराने की जरूरत नहीं, अगर वो उनके साथ हाथ मिला लेंगी तो फायदा उन्हीं का है, क्योंकि धीरे धीरे उनके हाथ से उनका वोट बैंक वैसे भी फिसल रहा है। चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह को बना रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष से खुद को काफी ज्यादा जोड़ने की जरूरत यहां कह सकते हैं कि कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफी हद तक वो कामयाब हो गए। अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रकाश राजभर उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी उनसे मुलाकात करती हुई नजर आई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती को बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला लेने की जरूरत है और अगर वो चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाती है तो देखिए मुझे नहीं लगता कि उनके वोट बैंक पर कुछ खास असर पड़ेगा। यहां पर अगर बात करें बीजेपी भी सत्ता में राज करने के लिए जब कह सकते सीटों का आंकड़ा कम पड़ता है तो निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनसे हाथ मिलाती हैं, जी हाँ उनसे पीडीपी पार्टी से हाथ मिलाती हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद अगर एक साथ आते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में कोई बड़ा खेल ही यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल जो है इस जो है आप कह सकते हैं कि इस तरीके की जो सियासी समीकरण है वो आजकल देखने को मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस का शिवसेना से गठबंधन हो, शिवसेना का कांग्रेस से गठबंधन हो, भाजपा का पीडीपी से गठबंधन हो, तो आज के समय पर विचारधारा की राजनीति बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। और ये आपने उदाहरण के तौर पर कई राज्यों में सरकार बनाते समय चाहे वो एनडीए की बात करें कांग्रेस की बात करें इन दोनों पार्टियों को देखा भी है। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में मायावती क्या चंद्रशेखर को अपने खेमे में मिलाएंगी? क्या चंद्रशेखर के साथ जाना उनको अपने भविष्य की राजनीति पर किसी भी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है? और अगर नहीं लगता है तब वो फैसला ले पाएंगे? वरना उत्तर प्रदेश में जो उनकी जो है सियासी छवि आप कह सकते हैं इस समय देखने को मिली है बीते 2-3 साल के भीतर, उससे ये कहा भी जा सकता है कि वो हो सकता है ये फैसला नहीं भी ले, तो अब क्या सीधे तौर पर मान लिया जाना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जो है दलित वोट जो है वो विपक्ष के खेमे में ना जाने के बजाय वो दूसरी तरफ बढ़ जाएगा, यानी कि तीसरे फ्रंट के तौर पर अगर हम देखें? इस पर छोटा सा जो है जवाब रखिएगा कि मायावती चंद्रशेखर अगर एक साथ आ जाते हैं तो क्या इससे विपक्ष को एक जो है बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि वोट जो है वो बिखराव की तरफ चला? वाकई में देखिए यहाँ पर वाकई में फ़र्क पड़ेगा और हमेशा से ऐसा देखा भी गया। अगर हम हाल ही में बात करें कि साल 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी ने चुनावी एंट्री की और ऐसे में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी कोई कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक को काटने का काम ज़रूर किया और इससे फ़ायदा साफ तौर पर बीजेपी को हुआ, बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीत गई। तो ऐसे में अगर चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती एक साथ आ जाते हैं तो इससे विपक्ष को होगा और वो कहीं ना कहीं वोटों के लिहाज से होगा, क्योंकि वोट जो है उनका आंकड़ा कट जाएगा और इसका फायदा सीधे सीधे एनडीए को हो जाएगा और एक बार फिर से हो सकता है यहाँ पर जो झटका है विपक्ष को इस तौर पर लगता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय मायावती और चंद्रशेखर के बीच चल रही सियासी जो है अब एक कह सकते हैं अदावत या फिर आने वाले दिनों में जो एक मेल मिलाप हो सकता है उस पर चर्चा थी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को। धन्यवाद।